बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के जनरली टू टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो क्लियर बाउंड्री लाइन बिटवीन कलर्स। यानी स्पेक्ट्रम की वो किस्म जिसमें कलर्स के दरमियान एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं हो। इन दिस स्पेक्ट्रम कलर्स पार्शियली ओवरलैप विद ईच अदर। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी आपस में इसी तरह से एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं कि उसमें पता नहीं चलता कि ये कलर यहाँ तक है और ये कलर यहाँ इस पॉइंट तक है। इन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कलर्स आर नॉट सेपरेटेड बाय लाइंस। यानी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर हम ड्रा करना चाहते हैं तो सपोज दिस इज ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इसका मतलब ये है कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये जो कलर्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। नाउ लेट्स सपोज दिस डायग्राम, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ब्लैक कलर है, इसके साथ ये जो है रेड कलर है और ये तीसरा जो है ये ब्लू कलर है। तो अगर हम इस कलर्स को देखें तो इन कलर्स के दरमियान ये एक दूसरे में ओवरलैप हो चुके हैं और इन कलर्स के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री भी नहीं है। लिहाजा सच ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो क्लियर बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर और देयर इज नो गैप बिटवीन द कलर बैंड्स, सो सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की मिसालों में एक है रेनबो, जिसको उर्दू में हम दनक भी कह सकते हैं। तो रेनबो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें ये जो डिफरेंट कलर्स है ये एक दूसरे में ओवरलैप है और हम इस कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते इनटू डिफरेंट रीजन्स। सो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज़ नो क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन द डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कलर बैंड्स, सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। Continuous. The second one type of spectrum is line spectrum. Line spectrum can be defined as a type of spectrum in which there is a clear boundary line between colors. यानी spectrum की वो किस्म जिसमें colors के दरमियान, color bands के दरमियान क्लियर बाउंड्री हो, जिससे हमें पता चलता हो कि ये ब्लैक कलर यहाँ तक है, फिर यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ से रेड कलर शुरू हो रहा है इसी तरह। तो इस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इन लाइन स्पेक्ट्रम कलर्स आर सेपरेट, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। लिहाजा लाइन स्पेक्ट्रम में ये जो कलर्स होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। द थर्ड पॉइंट, इन लाइन स्पेक्ट्रम कलर्स डू नॉट ओवरलैप। लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कलर बैंड्स में ओवरलैपिंग नहीं होती, बल्कि इसके दरमियान एक क्लियर बाउंड्री होती है जिससे हमें डिफरेंट कलर्स का पता चलता है। अभी अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज ए लाइन स्पेक्ट्रम। यानी जितने भी एटम्स हैं जब उसकी स्पेक्ट्रम हम स्टडी करना चाहते हैं तो सब एटम्स की जो भी स्पेक्ट्रम हो वो होगी एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करने के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब की ज़रूरत होती है और जिस चीज़ की हम स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसकी गैसियस फॉर्म लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब से उससे भर लेंगे और फिर
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन करेंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन हो जाएगी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ पर जो एयर होती है, चाहे वो किस चीज़ की भी हो, वो आयोनाइज हो जाती है या उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और वो हायर लेवल में पहुँचते हैं। जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ, लेट सपोज कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और हम इसमें हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम हाइड्रोजन गैस से डिस्चार्ज ट्यूब भरेंगे, इलेक्ट्रिक करंट ऑन करेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट ऑन होती है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन हो वो हीट एब्जॉर्ब करके हायर शेल में शिफ्ट होती है, हायर शेल को जंप करती है, तो आफ्टर सम टाइम द इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू द ओरिजिनल शेल एंड इट विल एमिट द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये रेडिएशन फिर जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से पास करते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है और वो स्पेक्ट्रम होगा लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एटम का स्पेक्ट्रम है और एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम। अभी लाइन स्पेक्ट्रम के दो मजीद अकसाम हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड एज व्हेन विजिबल लाइट इज पास्ड थ्रू एन एटम इट एब्जॉर्ब सम लाइट एंड व्हेन रिमेनिंग लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म और स्पेक्ट्रोमीटर द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। मसलन लेट सपोज हमारे पास एक एटम है, चाहे जो भी हो, उस एटम पर हमने रेडिएशन स्ट्राइक किए, फाल किए, उसको एक्साइट करना चाहते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई एटम रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ लेट सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जंप कर जाता है। अभी अगर इस एटम पर हमने सपोज थ्री रेडिएशन फॉल किए तो सम रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किए और यहाँ पर ये टू रेडिएशन मैंने ड्रा किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, वो हायर शेल में चला गया और ये जो टू रेडिएशंस हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं हुए, लिहाजा ये वो रिमेनिंग रेडिएशन है। तो जब ये रिमेनिंग रेडिएशन हम प्रिज्म या स्पेक्ट्रोमीटर से पास करते हैं तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आती है उसको लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किए हैं वो यहाँ पर डार्क लाइंस की सूरत में अपीयर होगा, लिहाजा इसको लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये पॉइंट नोट कर ले कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फ्यू डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड होगा, मतलब ये कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ज़्यादातर जो एरिया होगी वो कलरफुल होगी और इसमें फ्यू डार्क लाइंस होंगे। Now the second type is line emission spectrum. It can be defined as spectrum obtained from the radiation emitted by a substance. Let's suppose यहाँ पर देखें, जब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो यह हायर शेल में चला गया, तो ये तो ज़्यादा देर तक हायर शेल में नहीं रह सकता, after some time it will come back to the original shell. लेकिन जब ये ओरिजिनल शेल में आएगा तो द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड हियर विल एमिट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जब हम ये रेडिएशन प्रिज्म या स्पेक्ट्रोमीटर से पास करते हैं तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको एमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट किया, लिहाजा इसको कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टी ये है कि
it will consist of few bright lines against dark background. मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन ने जो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली एनर्जी एब्जॉर्ब की थी सिर्फ वो रिलीज कर ली, लिहाजा इन द स्पेक्ट्रम दैट वेवलेंथ विल बी कलर्ड वाइल द रिमेनिंग होल स्पेक्ट्रम विल बी डार्क. लिहाजा ये पॉइंट नोट कर ले कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ज़्यादातर एरिया ब्राइट होगी और फ्यू डार्क लाइन्स होंगे, जबकि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में ज़्यादातर एरिया डार्क होगी और फ्यू ब्राइट लाइन्स होंगे.